छात्रों, आज हम कहा कविराज इस पद्य पाठ की दूसरी कुंडली को पढ़ेंगे, जिसके कवि है गिरधर जी। चलते हम इस कुंडली को पढ़ने। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गाट में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। कहा गिरिधर कविराय जगत का यही देखा, करत बेदर्जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। तो इस तरह से हमने इस कुंडली को पढ़ा है। हम इस कुंडली के कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। इस शब्द वाटिका में कुछ शब्द है, जैसे कि मतलब यानी कि स्वार्थ, ताको यानी उसको, गाट यानी जेब। हम देखते हैं कि हमारे जो नानी है, दादी है, जो स्त्रियाँ होती थी, उनको जो पल्लू रहता था साड़ी का, तो उसमें वह क्या करती थी, गाट बांधती थी। कुछ पैसे रहते थे तो उस पल्लू में वह बांधती थी। जब कोई छोटे बच्चे खेलते कूदते अपने नानी और दादी से पैसे मांगते थे तो वह उस गाट से निकाल कर उन्हें देती थी। इसका मतलब यहाँ पे है, गाट का मतलब है जेब, यार यानी मित्र, संग यानी साथ, डोले घूमना या फिरना, रेखा व्यवहार नियम, बेगर्जी यानी कि निस्वार्थ, प्रीति यानी प्रेम, बिरला निराला या सबसे अलग। इस तरह से हमने इस शब्द के अर्थ जाने हैं। प्रिय छात्रों, हमने इस कुंडली को भी जाना है या पढ़ा है और उसके कुछ शब्द भी हमने समझे हैं। तो इसका कुछ स्पष्टीकरण मैं देना चाहती हूँ कि इस कुंडली में गिरिधर कवि राय ने हमें यह इस मतलब भी संसार में जिनके पास पैसा होता है तो स्वार्थी मित्र कैसा व्यवहार करता है और निस्वार्थी मित्र कैसे होता है, इसका हमें इस पाठ में स्पष्टीकरण दिया है, इस कुंडली को समझा है। कवि कहते हैं कि देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गाट में तब लगी ताको यार। कवि जी कहते हैं कि इस संसार में कवि ने देखा है, क्योंकि उनका अनुभव बड़ा है, कि यह सब संसार कैसा है, मतलब का संसार है। कुछ लोग इतने मतलबी स्वार्थी होते हैं कि जब हमारे पास पैसा रहा तब वह हमें यार या मित्र बना लेते हैं। जब लगी पैसा गाट में, हमारे पास जैसे ही हमारे जेब में पैसा आता है तब कुछ ये मतलबी लोग है, स्वार्थी लोग हमसे नाता रखते हैं, यारी बनाते हैं। तब लगी पैसा, तब लगी आता को यार, यार संग संग ही डोले। कवि गिरधर कहते हैं ये यारी मित्र बनाने वाले स्वार्थी लोग जो होते हैं, जिसके पास पैसा होता उसी के साथ घूमते फिरते हैं, उन्हीं की बातों में हाँ में हाँ मिलाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही पैसा रहा न पास यार मुख से ना ही बोले। वही स्वार्थी मित्र जो है, जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो मुंह से बातें करना भी पसंद नहीं करते, मुंह फेर लेते हैं। और इसीलिए गिरधर कविराय कहते हैं कि जगत का यही लेखा, करत बेदर्जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। गिरधर जी कहते हैं कि यही नियम है संसार का, कि जब स्वार्थी लोग पैसा होने पर यारी मित्र बनाते हैं, पैसा नहीं रहा तो मुंह फेर लेते, परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो बिना स्वार्थ के होते हैं और हमसे नाता रखते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से। और ऐसे जो लोग हैं निस्वार्थी, वह हमें कम देखने को मिलते हैं। इस तरह से इस कुंडली में कवि ने स्पष्टीकरण किया है।